Hello everyone, today you all are welcome to this special video of Deji Karu Learner Academy. Myself Jagmeet Malhotra, I am 9 years old. I am a student of class 5 in Guru Har Krishan Public School, as well as I am a student of Deji Karu Learner Academy. तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि Deji Karu Learner Academy बच्चों की माइंड पावर पे कंसंट्रेशन करते हैं और बच्चों की माइंड पावर अच्छी करते हैं. तो जो इनका पहला कोर्स है मेमोरी बूस्टिंग कोर्स, तो आज मैं उसकी आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ. आप सबने मैं एक कहानी के थ्रू आपको ट्रिक सिखाऊंगा, तो आप सबने वो कहानी बड़े ध्यान से सुननी है. अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो मेरी कहानी का मजा ही खराब हो जाए. मेरी कहानी का उद्देश्य है कि हम कैसे कहानी के कुछ क्लू वर्ड्स को लेके प्राइम मिनिस्टर नेम को इजीली याद कर सकेंगे. तो चलिए अब आप कहानी ध्यान से सुनिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एक बार एक पंडित जी थे, उन्होंने लाल कुर्ता पहना हुआ था और वो इंद्रलोक की तरफ जा रहे थे. रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मोर मिला. जैसे उन्होंने उस मोर के चरण स्पर्श किए, वो इंद्रलोक जा पहुंचे. तो चलिए अब आपने थोड़ी स्टोरी तो सुनी ली है, अब हम यहाँ तक की स्टोरी का प्राइम मिनिस्टर नेम के साथ लिंकअप करते हैं. तो चलिए अब हम लिंकअप करना शुरू करते हैं. तो जैसा कि आपने पहला क्लू वर्ड सुना पंडित, पंडित इंडिकेट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, पंडित जी ने क्या पहना हुआ था? पंडित जी ने एक लाल कुर्ता पहना हुआ था. सो लाल कुर्ता इंडिकेट्स लाल बहादुर शास्त्री जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, पंडित जी कहाँ जा रहे थे? पंडित जी इंद्रलोक जा रहे थे. सो इंद्रलोक इंडिकेट्स इंदिरा गांधी जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, पंडित जी को रास्ते में कौन मिला था? पंडित जी को रास्ते में एक बहुत बड़ा मोर मिला था. सो मोर इंडिकेट श्री मोरारजी देसाई जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, पंडित जी ने जब मोर के चरण स्पर्श किए थे, तो हम चरण स्पर्श को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? चरण स्पर्श इंडिकेट चौधरी चरण सिंह जी. और फिर पंडित जी कहाँ पहुंच गए थे? फिर पंडित जी पहुंच गए थे इंद्रलोक. सो इंद्रलोक इंडिकेट्स इंदिरा गांधी जी. तो चलिए अब हम यहाँ तक तो हमने लिंकअप कर लिया, अब हम इसके आगे की कहानी भी सुनते हैं. तो आप सब दोबारा से कहानी अच्छे से सुनिएगा. इस बार मेरे को बहुत मजा आया, अगली बार आपने अच्छे से ना सुनी ना मजा नहीं आएगा. तो पंडित जी जब इंद्रलोक पहुंचे थे, तो उनको उनका दोस्त राजीव मिला. राजीव ने उनको पूरे विश्व के चक्कर लगवा कर चंद्र के शिखर पर छोड़ दिया. वहां पे उन्हें नरसिम्हा मिला. नरसिम्हा ने उन्हें कहा आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अटल होना होगा. तो चलिए अब आपने यहाँ तक की स्टोरी तो सुनी ली है, अब मैं आपको यहाँ तक की स्टोरी के साथ फिर से लिंकअप करके दिखाता हूँ. तो चलिए अब हम लिंकअप शुरू करते हैं, बी रेडी. तो जैसा कि हमारा क्लू वर्ड आया था राजीव, राजीव इंडिकेट्स राजीव गांधी जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, विश्व, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, चंद्र के शिखर पर, दैट इंडिकेट चंद्रशेखर जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, नरसिम्हा, नरसिम्हा इंडिकेट पीवी नरसिम्हा राव जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, अटल, अटल इंडिकेट्स अटल बिहारी वाजपेयी जी. सो यू हैव सीन टिल हियर ऑल द लिंकअप. तो चलिए अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ. तो जब पंडित जी अटल होना चाहते थे, तो वो किसके पास गए? वो देवों के गौर गुजराल जी के पास गए. वहां पे वो अटल हुए और मन ही मन नमो नमो करने लगे. यहाँ पे मेरी कहानी खत्म हुई, पर अभी मेरी टेक्निक खत्म नहीं हुई. अब मैं आपको यहाँ तक की कहानी का लिंकअप करके दिखाऊंगा. तो चलिए अब हम फिर से लिंकअप देखते हैं. जैसे हमने पहले दो बार लिंकअप किया ना, लिंकअप हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लिंकअप. पंडित जी कहाँ गए थे? पंडित जी देवों के गॉड के पास गए थे. देवों के गॉड इंडिकेट्स एच डी देव गौडा जी. देवों के गॉड का नाम क्या था? गुजराल. सो गुजराल इंडिकेट्स इंद्र कुमार गुजराल जी, आई के गुजराल जी. फिर पंडित जी वहां पे क्या हो गए थे? पंडित जी वहां पे अटल हो गए थे. अटल इंडिकेट्स अटल बिहारी वाजपेयी जी. नेक्स्ट क्लू वर्ड, पंडित जी वहां पे अटल होने के बाद मन ही मन
So Man Hi Man indicate Dr. Manmohan Singh ji. Next clue one. Pandit ji namo namo कर रहे थे. So namo namo indicate श्री नरेंद्र मोदी जी. तो चलिए अब आपने ये टेक्निक तो देख ही ली है, पर इतनी अच्छी टेक्निक आपने तो सुनी, पर मैंने कहां से सीखी ये टेक्निक? आप गेस करेंगे? अच्छा चलो आप मत करो, मैं ही बताता हूँ. ये मेरे स्पेशल टीचर देजी तारू लर्नर एकेडमी से मिस्टर गुरदीप सर एंड मिस्टर हरप्रीत सर ने सिखाई. तो आपको ये अच्छी लगी होगी टेक्निक. तो ये हमारे ये स्पेशल टीचर हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं इनको, मिस्टर गुरदीप सर एंड मिस्टर हरप्रीत सर. तो आज मैं इनका बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ. अ वेरी थैंक्स टू मिस्टर गुरदीप सर एंड मिस्टर हरप्रीत सर फ्रॉम देजी तारू लर्निंग एकेडमी फॉर टीचिंग मी न्यू टेक्निक्स एंड ट्रिक्स फॉर इजी लर्निंग एंड मोर माइंड पावर. तो चलिए अब आपने ये भी सीख ही लिया है कि मैंने कहाँ से ये टेक्निक्स को सीखा, आपने ये भी सुन लिया है. तो चलिए अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ. हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पर स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. तो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पर अब समय है कुछ अलग करने का. तो चलिए अब हम करते हैं स्मार्ट वर्क. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज एफिशिएंट वर्क. डिजिटारू लर्नर एकेडमी इज हियर फॉर टीच यू टू थिंक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो आप चेक कीजिए नेक्स्ट वेबिनार कब होने वाला है डिजिटारू लर्नर एकेडमी का. सो एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा. चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ. अगर आप अपनी थिंकिंग को अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी. So thank you for watching this video. Thank you for listening me. Kindly like and subscribe Digitaru Learn Academy YouTube channel. Ek like to banta hai. Thank you.